बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही परफेक्ट कोरमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मुल्तानी बादामी कोरमा। बहुत ही मज़े का ये बनता है, आप इसको दावत पर बनाएं या ईद पर बनाएं। एक तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और दूसरा बहुत ही परफेक्ट इससे कोरमा बनता है। ज़रूर इसको ट्राई करें। और बहुत ज़्यादा कोई इसमें हमें चीज़ें भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों से ही हम इसको रेडी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 1 kg चिकन से कोरमा रेडी कर रही हूँ और यहाँ मैंने 15 बादाम लिए हैं। सबसे पहले बादाम को हम नीम गर्म पानी में भिगो लेंगे। और अगर आप चाहें तो चिकन की जगह बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन मैंने सिर्फ लेग पीस इस्तेमाल किए हैं। बादाम को हम भिगो लेंगे और इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और इसको बहुत ही बारीक हमने स्लाइस कर लेना है। और इसके बाद हमने 1 कप ऑयल लेना है और उस ऑयल में हमने प्याज डालने हैं और प्याज को अच्छा सा ब्राउन कलर देना है। जब प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा फैला के रखेंगे ताकि प्याज जो है क्रिस्पी हो जाए, तो क्रश करने में आसानी होगी। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा सा इसको मैं फैला दूँगी। और इसके बाद सेम उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था उसमें हम डाल देंगे चिकन। और चिकन को हमने फ्राई करना है। हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर भी अच्छा सा गोल्डन नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े का इस रेसिपी से कोरमा रेडी होता है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ला सकूं। और बस हमने चिकन को फ्राई कर लिया है और अभी चिकन गोल्डन कलर में आ चुकी है, तो इसको भी मैं ऑयल से निकाल लूँगी। ऑयल से निकालने के बाद चिकन को फिर उसी ऑयल में हमने डाल देना है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कोरमा मसाला। कोरमा मसाला मैं इसमें तकरीबन 3.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करना है। जब इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हमने कोरमा मसाला डालना है। अब इसमें मैं तकरीबन 3.5 टेबलस्पून कोरमा मसाला डाल रही हूँ और अब इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। 5 मिनट तक हमने इस मसाले को अच्छे से पकाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं बीच में ताकि मसाला जो है जले नहीं। 5 मिनट बाद 1 कप दही लेनी है और उसको थोड़ा सा फेंट लें और वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। ये देखिए, मैंने 1 कप दही ली और थोड़ा सा इसको मैंने फेंट लिया था और वो दही मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से 5 मिनट तक इसको भी पकाएंगे। देखिए, हम इसमें जो है बॉयल आना शुरू हो गया है तो और हमने इसको अच्छे से 5 मिनट तक पकाया है। तो अब इसमें क्या करना है, जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। और चिकन शामिल करने के बाद अब तेज़ हीट पर हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक जो है पकाएंगे। मेरे चैनल पर बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर जाकर देखें। मेरे चैनल पर कश्मीरी आलू बुखारा की रेसिपी मौजूद है, उसके अलावा जो है मखनी चिकन है और बहुत सी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। ज़रूर इसको देखें, ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चिकन को हमने 10 मिनट तक अच्छे से पका लिया था और अब इसमें मैं तकरीबन 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसको हम कवर कर देंगे और हीट हम कर देंगे स्लो। और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक चिकन जो है वो पूरी तरह पक नहीं जाएगी। अब इसको कवर कर दिया है और अब इसको हम दम पे रख देंगे। जितनी देर में हमारी चिकन जो है पक रही है, हमने क्या करना है, जो प्याज हमने फ्राई करके रखे हुए थे उसको हमने हाथों से अच्छी तरह क्रश कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जो बादाम हमने भिगो के रखे थे उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा क्रश कर लिया है। उसके अलावा अदरक को मैंने लंबाई में काट लिया था और सब्ज़ मिर्च भी काट ली थी। और चिकन हमारी अब फुल डन हो चुकी है। और इसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिया है क्रश किए हुए जो प्याज थे वो हमने इसमें शामिल कर दिए और अच्छे से इसको अब पहले मिक्स कर लेते हैं।
जब प्याज मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हमने एक अदद तेज़ पत्ता शामिल किया है, और इसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और जो अदरक और सब्ज़ मिर्च और हमने बादाम जो उधर काट के रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े थोड़े मैं जो है सेव कर लूँगी गार्निशिंग के लिए, और बस अब इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें दोबारा से तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून या आप हाफ गिलास कर लें पानी का डालेंगे, और दोबारा से बस हम इसको स्लो हीट पर 5 मिनट के लिए रख देंगे। थोड़ा सा नमक मुझे इसमें कम लग रहा था तो मैंने नमक इसमें मज़ीद थोड़ा सा ऐड किया। बस अब इसमें मैं हाफ ग्लास तकरीबन पानी का डालूंगी, और बस इसको 5 मिनट के लिए हमने कवर करना है, थोड़ी देर पकाना है 5 मिनट के लिए, और बस हमारा कोरमा जो है रेडी है। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर आप इसको ट्राई करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। बस अब कवर कर दिया है और 5 मिनट बाद हमारा कोरमा रेडी है। देखिए 5 मिनट बाद हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, और बहुत ही मज़े की इसका टेस्ट और खुशबू है, ज़रूर ट्राई करें, और पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।